दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हो जो एंड्रॉयड के नेक्स्ट वर्जन अपडेट के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो ये वीडियो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो अमेरिका की कंपनी गूगल, जिनका एंड्रॉयड है, उन्होंने जो नेक्स्ट एंड्रॉयड 12 बीटा वर्जन में जो लॉन्च किया फीचर, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप ये कह सकते हो। फेस गेस्चर का जो फीचर है, जो अभी लेटेस्टली एंड्रॉयड 12 बीटा वर्जन में जो अभी उन्होंने लाया है, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। आप जो भी फोन चला रहे होंगे, अगर आपके फोन में एंड्रॉयड 12 अपकमिंग आने वाला होगा अपडेट, तो आप लोग उस फीचर का फायदा जरूर उठा पाएंगे। चलिए उस फीचर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि उस फीचर के थ्रू आप लोग क्या क्या कर पाओगे और ये किन के लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। दोस्तों, एंड्रॉयड 12 जो नेक्स्ट बीटा वर्जन आया है, उसमें फेस गेस्चर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अपने फोन में, अभी क्या होता था पहले, मतलब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले हम लोग बटन वाले फ़ोन को यूज़ करते थे ज़्यादा, उसके बाद हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करने लगे, टच स्क्रीन, हमें ज़्यादा आदत पड़ी टच स्क्रीन की। और उसके बाद चीज़ों को और आसान करने के लिए गूगल ने लॉन्च किया गूगल असिस्टेंट, यानी कि वॉइस कमांडिंग फीचर। आप अपने फ़ोन को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप कुछ वर्क कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर आपका फ़ोन कहीं है उसे फाइंड करना है, तो वॉइस कमांड के थ्रू आप अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो। पर अभी जो फीचर आया है वो है फेस गेस्चर फीचर। उससे क्या होगा, आपके जो आईब्रोज हैं, जैसे कि अगर आपको स्क्रॉल करना है, तो अगर आप अपने आईब्रोज को अप करते हो तो वो स्क्रॉल होगा, या फिर अगर आप अपने आईज को डाउन करते हो तो वो स्क्रॉल डाउन होगा, या फिर अगर आपको कुछ बैक लेना है, मतलब बहुत सारे फीचर्स आप अपने फेस एक्सप्रेशन से कंट्रोल कर पाओगे। आईब्रोज को अप करना, आईज को क्लोज करना, स्माइल करना, शॉक जैसा फेस बनाना, लाइक ऐसा आप कुछ देख रहे हो तो वो ये जो सारे हमारे एक्सप्रेशंस रहते हैं, इन एक्सप्रेशंस के थ्रू आप अपने फोन को कंट्रोल कर पाओगे अब। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर है एंड्रॉयड 12 में जो आने वाला है, और ये भी हम सबको देखने को मिलेगा हमारे नए फोन, स्मार्टफोन्स में। हालांकि इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, जरूर समय इसलिए लगेगा क्योंकि जो फेस गेस्चर डाला गया है इस टाइम, ठीक है, वो गूगल के भले ही हम सेटिंग फंक्शन में देख पाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन एप्लीकेशन जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो, वो कोई भी एप्लीकेशन जो आप दिन भर में ज़्यादा जिस पर अपना टाइम स्पेंड करते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर वर्क शायद अभी ना करे, क्योंकि एप्लीकेशन में भी अपडेट डालना पड़ता है। एप्लीकेशन में भी उन फीचर्स के जरिए जो SDKs वगैरह अपडेट होते हैं एंड्रॉयड में, वो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में, मतलब एप्लीकेशन भी उस चीज़ के लिए केपेबल होना चाहिए। तो एप्लीकेशन को भी थोड़ा अपडेट करेंगे, जो भी उनके डेवलपर्स रहते हैं, जब तक वो अपडेट करेंगे तब तक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये फीचर उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब बेस्ट रहेगा, मैं आपको बताता हूँ कि कब हमें ये ज़्यादा काम आएगा। एक्चुअली क्या होता है, आजकल लोगों को टच करना भी पसंद नहीं है, जब आप सो रहे होते हो या फिर ऐसे फ़ोन को पकड़ के ऐसे चलाना, क्योंकि हमारा फ़ोन, आप सबको पता है, आजकल 6.5 इंच से अबाव के सारे फोन आजकल आ रहे हैं, और उससे ज़्यादा ही हमें पसंद भी आता है। तो लेटते टाइम या ऐसे देखते टाइम, मतलब एक हाथ से ना फोन को कंट्रोल करना समटाइम थोड़ा टफ रहता है, कि एक ही हाथ से टच भी कर रहे हो और एक ही हाथ से आप उसको मतलब चला रहे हो, वो थोड़ा टफ रहता है। इसलिए हम फोन को ऐसे पकड़ के दूसरे हाथ का भी यूज़ करते हैं, तो टच में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब कि यार क्या बार बार दूसरे हाथ का भी हमें यूज़ करना पड़ रहा है। उसके बाद में फिर वॉइस कमांडिंग के लिए तो कभी कभी क्या होता है, नेटवर्क नहीं है तो आप वॉइस कमांड दोगे तो भी वो प्रॉपर नहीं सुन पाता आपका फोन। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आएगा जो सोते टाइम ऐसे देखते हुए भी अपने, मतलब जो भी बाइक जो भी अपने एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, वो देखते हुए अपने मतलब अपने आंखों के एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें कर पाएंगे। या रात को कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मतलब हाथ ऐसे स्ट्रेट करके मतलब सोना है, या कैसे भी जब रात में आप कंफर्टेबली सो रहे होते हो, तो आपको बस ऐसे फोन को देखते देखते एक्सप्रेशन के साथ अपने फोन को चला पाओगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और ये डेफिनेटली हो चुका है एंड्रॉयड 12 में, आ चुका है बीटा वर्जन में, लेकिन अभी सभी फोन के लिए ये अपडेट नहीं आया है, लेकिन आप लोग को ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा आप सबके फोन में। आई होप दोस्तों आपको ये गूगल का नया फीचर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा फेस गेस्चर का, और अगर आपको सच में पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइए आपकी यस ये फीचर्स के जरिए, मतलब ये फीचर उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये फीचर आप लोगों को कितना सही लगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।